गुड मॉर्निंग प्रतिभा लेसन, वेलकम यू ऑल। और माई सेल्फ संतोषी दास, वाइफ ऑफ ए अमेजिंग हस्बैंड एंड मदर ऑफ ए ब्यूटीफुल डॉटर। आई लव माई फैमिली एंड लव टू वर्क फॉर माई गोल्स एंड ड्रीम्स। और आज मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। और आज बहुत बढ़िया दिन है, महाशिवरात्रि भी है और वुमेन्स डे भी है। और आज आप सब मिलके कुछ अच्छा चीज साथ में लेके जाते हैं, अच्छे चीज सुनते हैं। और लेट्स मेक अवर वुमेन हेल्दी विथ बाय इंस्पायरिंग हेल्दी विथ हेल्दी वुमेन्स। तो जैसे रिभाम नेशन का गोल है हेल्दी हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करके लोगों के लाइफ में चेंज लाना, और उसके थ्रू बहुत सारे वुमेन के हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत सारे वुमेन खुद को चेंज किए हैं। और आज हम कुछ वुमेन को ऐसे मिलेंगे जिनको लेके जिन जो कि रिभाम नेशन के साथ अपने लाइफ को बहुत ही सुंदर बना चुके हैं, अपने लाइफ को बहुत अमेजिंग बना चुके हैं। बहुत सारे हेल्दी हैबिट्स उनमें आ गया है। तो आप सब तैयार हैं फ्रेंड्स आज के सेशन को ग्रेट करने के लिए? जैसे बोलते हैं ना, एक हेल्दी मकान घर बनता है जब एक वुमेन उसमें होती है ना। और एक परिवार को डिसिप्लिन बनाने में, एक परिवार को एजुकेटेड बनाने में, एक परिवार को एक साथ रखने में और एक परिवार को हेल्दी बनाने में एक वुमेन का रोल बहुत ज्यादा रहता है। तो आज वही मैसेज हम सबको देंगे, सब सब मिलके भी लेंगे कि एक वुमेन हेल्दी होना कितना जरूरी होता है और हाउ रिभाम नेशन हेल्प्स टू वुमेन टू बी हेल्दी टू लीड ए हेल्दी लाइफ। तो आज बहुत सारे वुमेन हमारे साथ है, तो मैं वेलकम करूंगी वन बाय वन। आप सब जरूर मेरे साथ दीजिएगा। वीडियो ऑन होने से मैं बुला सकती हूँ जो भी हमारे गेस्ट हैं आज, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो यस यस, पहला पहला वीडियो ऑन हुआ। तो आज हमारे साथ है अंजुल, अंजुला। ओके मैडम, आई आई विल अनम्यूट यू, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अंजु मैडम, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट अनम्यूट मैडम। ओके अनम्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस, प्लीज टेल अबाउट योर स्टोरी एंड हाउ यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू रिभाम नेशन। आपको रिभाम नेशन के बारे में कौन बताया और आप रिभाम नेशन में आके आपको क्या फायदा मिला है? अपने बारे में बताया। ऑडियो ऑडियो आज सुनिए नहीं आ रहा है मैम। नहीं, आप ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दीजिए अगर ब्लूटूथ है तो। और एक बार आप लॉग इन हो जाइए, ऑडियो नहीं आ रहा है। एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन हो जाइए। ओके, तब तक हम और भी बहुत सारे वुमेन है हमारे पास, क्योंकि अभी रिभाम नेशन का फोर्थ बैच चल रहा है। बहुत सारे वुमेन है जो फर्स्ट बैच में खुद को चेंज कर चुके हैं, बहुत सारे सेकंड बैच में कर चुके हैं और अभी हमारा फोर्थ बैच चल रहा है। तो हमारे पास कुछ ऐसे वुमेन है जो कि बहुत दिनों से हेल्दी हैबिट्स में है, हम उनको बुलाएंगे फ्रेंड्स। लेट मी वेलकम गौरी आचार्य, जो उनके लिए एक ही क्वेश्चन है, जब रिभाम नेशन के थ्रू उनके लाइफ में चेंजेस आया, क्या उनको वो चेंजेस अपने फैमिली को हेल्दी करने में कुछ हेल्प कर रहा है सी चेंज हेयर फैमिलीज लाइफ। ओवर टू यू गौरी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ के गौरी आचार्य। हैप्पी वुमेन्स डे सबको। तो मैं कुछ कहने से पहले थैंक्स करना पहले चाहती हूँ, रिभाम नेशन को पहले थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि इस कम्युनिटी की वजह से मुझ में बहुत से बदलाव आया है। जैसे कि मेरे बहुत हेल्थ चैलेंजेस थे, जैसे मेरे एसिडिटी हो गया, ओवरवेट और कॉन्स्टिपेशन, थायराइड, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से मैं जूझ रही थी। लेकिन
ऐसे ही कुछ मौका मैं ढूंढ रही थी, जैसे मुझे यहाँ से मैं बाहर निकलना चाह रही थी। ऐसे कि हम हाउसवाइफ पे क्या होते हैं कि घर में सिर्फ काम करते हैं और खुद पे ध्यान नहीं देकर सिर्फ दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन खुद के बारे में सोचना यहाँ पे ही हमने सीखा और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नॉलेज पाया यहाँ से। और रिभावना से जुड़ने से हम बहुत हेल्थ टॉपिक जो यहाँ पे चल रही है उसके बारे में नॉलेज हमने पाए। और बहुत ऐसे हुई कि हम पहले जब सुबह उठते थे घर में सबको चाय की जरूरत होती, लेकिन यहाँ पे हम डिटॉक्स वाटर, इन्फ्यूजन वाटर जो हम पे यहाँ पे हम जाने उसके बारे में हम बहुत बेनिफिट लिए। और घर में अब सबकी चाय बंद हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम घर में तो बहुत ऐसे काम सबको खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन हेल्दी रखने के लिए जब करते हैं खुद को प्राउड फील होता है, नहीं हमारा फैमिली बहुत हेल्दी है। और बच्चों को भी ऐसे ही कुछ बहुत सारे सीखने को हम यहाँ से जब सीख के जाते हैं तो बच्चों भी कुछ 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 उनको भी मदद होता है। जैसे कि हम उनको जंक फूड देते हैं, लेकिन कुछ देने से पहले हम सोचते हैं ये हेल्दी है या कि नहीं, तो बच्चे भी जान रहे हैं। हम जब कुछ कर रहे हैं घर पे तो पहले जब कर रहे थे ये क्या कर रहे हैं ये ऐसे सोच रहे थे, लेकिन कुछ दिन हम जैसे करने लगे तो वो भी हम पे बिलीव करने लगे, नहीं यहाँ पे कुछ हो रहा है और ये भी कुछ चेंज उसमें बॉडी में कुछ चेंज हुआ। जैसे कि मेरे बहुत हेल्थ चैलेंजेस थे सब अब सब खत्म हो चुका है, थायराइड अच्छा हो चुका है। और जैसे कि मेरे वेट बहुत बढ़ चुका था वो भी कुछ कुछ हद तक घट चुका, और एंकल पेन हो रहा था जॉइंट पेन की वजह से तो वो भी मुझे बहुत रिलीफ हुई। और एसिडिटी वैसे भी मर खत्म हो गई। पानी तो हम हर वक्त पीते थे, घर में भी सब पानी पी रहे थे, लेकिन किस टाइम पे किस तरह पीना चाहिए ये हमको पता नहीं था। यहाँ पे हम बहुत कुछ ऐसे टिप्स लेके गए जो हमको बहुत फायदा हुआ। और घर में भी सब ऐसे ही पानी का कुछ छोटा मोटा टिप्स हम उनको देते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं, नहीं ठीक है हम इसी तरह पानी पिए तो कुछ एसिडिटी इस तरह हमारे एसिडिटी अच्छा हो सकता है। तो मेन मुझे था एसिडिटी बहुत प्रॉब्लम था, एसिडिटी की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, और अब एसिडिटी की प्रॉब्लम कुछ भी मेरे नहीं है, बहुत अच्छी हूँ। और घर में भी सब कुछ सबको भी एसिडिटी के प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रहता था वो भी बहुत अच्छे हैं। हमारे इन-लॉज भी बहुत अच्छे रिजल्ट उनमें मैं पा रही हूँ और मुझे बहुत खुश रहे हो रहे हो लग लगती है। और जब भी मैं किसी से कजन हो या रिलेटिव्स हो या कोई फ्रेंड्स हो हमसे मिलते हैं तो बातों ही बातों में वो भी उनके हेल्थ चैलेंजेस के बारे में ऐसे ही कह देते हैं। तो हम जब यहाँ पे कुछ सुनकर जाते हैं तो ऐसे ही कहना नहीं चाहते हैं लेकिन मुंह से निकल जाता है, छोटा मोटा टिप्स देते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। और फिर वो दोबारा फोन करते हैं, आप उस रोज क्या कहा अब थोड़ा सा हमको बताएं, तो हम उनको कहते हैं हमारे पास बहुत बढ़िया कम्युनिटी है, आप कम्युनिटी में आइए कुछ जानकारी लीजिए और बहुत कुछ आपको हेल्प हो सकता है। तो थैंक यू मैम, हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू, थैंक यू, दिस इज फॉर माय साइड। थैंक यू गौरी जी, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, एक कितना सुंदर सा स्टोरी, एक वुमेन जब हेल्दी बन गए हुई थे, लॉट्स ऑफ नॉलेज, वो अपने फैमिली को कितना इंस्पायर कर लिए हेल्दी होने के लिए। तो गौरी जी के लिए जोरदार क्लैप होना चाहिए, हम सब जोरदार क्लैप लगा सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। देन लेट मी वेलकम अंजू जी। सॉरी आपका वीडियो तो ऑडियो तो नहीं आ रहा है, आप ऑडियो कनेक्ट तो हुए हैं? नहीं नहीं यार, आप फिर से थोड़ा ठीक कर लीजिए, तब तक हम और एक वुमेन से सुनते हैं सक्सेसफुल। तो आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं, बाय प्रोफेशन ही इज ए प्रोफेसर ऑफ आवर माणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी। तो उनसे हम सुनते हैं, उनके लाइफ में भी बहुत सारा चेंजेस आया है, और लेट्स लिसन फ्रॉम हर। तो लेट मी वेलकम डॉक्टर मधुलिका जी। हमें ऑडिबल? सो यस यस मैम। थैंक यू अनु मैडम इनवाइट करने के लिए। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ बट ये होता है कि हमेशा अनु मैम का आता है, लिंक में ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि यू नो वॉक पे जाती हूँ और
हाँ वॉक पे जाते जाते भी लॉग इन करना चाहिए, बट आई एम रियली सॉरी कि मैं ऑनलाइन नहीं आ पाती हूँ, बट हाँ मैं हमेशा से मैम के साथ रही हूँ और उनका जो हेल्थ टिप्स जो रहा है मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ है। और ये है कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ये अप्लाई करके देख चुकी हूँ एंड इट हैज रियली हेल्प मी। मैं जब बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें ऐसे बताती हूँ जिससे बच्चों को भी फायदा हुआ है और मेरे को भी फायदा हुआ है। जब मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा रही थी पेपर, सो यू विल बी सरप्राइज टू नो, मैं खुद ही उसको जब अप्लाई करने लगी, मैं अपने आप को बोलने लगी, मैं मैम को भी बता रही थी कि मैं जो बच्चे को पढ़ा रही हूँ मैं खुद ही अप्लाई करना चाहिए मेरे लाइफ में। एंड फिर मैम और मैं काफी टाइम हम हंसते रहते हैं इस सब बातें बता के कि जो चीजें हम बोलते हैं, समटाइम्स वी से थिंग्स वी डोंट प्रैक्टिस, सो इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि हम जो बोलते हैं उसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं कि ऐसा नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, पर हम लोग इतना टेम्प्ट हो जाते हैं कि हम दूसरे दिन पानी पूरी के ठेले के सामने दिखते हैं या तो रोल के दुकान के सामने दिखते हैं। तो ये जो सब हैबिट्स थे, अब मैं वहां पे ब्रेक लगा के रखने से पहले दोबारा भी सोचती हूँ। सो व्हेन यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच इज मेक्स यू रियली अ हेल्दी पर्सन। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं जब उनको धीरे धीरे बोलने लगे कि सी आई हैव प्रैक्टिस दिस एंड दिस द चेंजेस हैव हैपेंड, कि हम एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए, तो मैं बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ाती हूँ तो ग्रोथ तुम्हारा बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जो किस प्रकार के डाइट खाने से तुम्हारा तुम्हारे किस प्रकार से बॉडी में हेल्दी बॉडी होना चाहिए, वो हमें बचपन से या तो वेरी यंग एज प्रैक्टिस होनी चाहिए और यू विल सी द काइंड ऑफ एक्टिव लाइफ यू कैन लीड। तो कुछ कुछ मेरे स्टूडेंट्स है कि जो आके मेरे को बोलते हैं मैम आप पहले से भी और ज्यादा यू नो यू हैव बिकम मोर एक्टिव एंड यू लुक मच बेटर, आप क्या करते हैं मुझे भी थोड़ा बताइए। मैं बोली जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ वही चीज मैं खुद ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं बच्चों बच्चों भी बोलने लगे कि मैम हम भी करेंगे। सो दैट वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ, दैट वॉट एवर आई प्रैक्टिस आई हैव स्टार्टेड यू नो रिफ्लेक्टिंग दैट ऑन टू अदर पीपल अराउंड मी। तो कल ही की बात है जो हम लोगों ने वुमेन्स डे सेलिब्रेशन किया था अनु मैम के यहाँ पे, अनु मैम ने मुझे एक सजेशन पूछने के लिए बस फोन किया था कि मैम ऐसे ही आ रहा है दिमाग में हम एक हेल्दी वुमेन कम्युनिटी क्यों ना स्टार्ट करें। मैं बोली हाँ वाई नॉट। सो हम मैं थोड़ा शुरू से एप्रिहेंशन थी कि हाँ शायद इतने नहीं पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि कौन आजकल इतना हेल्थ को इम्पोर्टेंट दे रहा है, बट आई वाज सरप्राइज टू सी कि इतने वुमेन पार्टिसिपेट किए एंड दे प्रैक्टिस एंड दे शेयर देयर इंटरेस्ट टू कंटिन्यू। सो बेसिकली आई वांट टू से हियर कि हम जो बोलते हैं उसका प्रैक्टिस करना चाहिए और एक कंसिस्टेंसी रहना चाहिए कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होंगे वो अचानक से फिर बंद हो जाएगा। सो प्लीज कंटिन्यू। और आई एम रियली हैप्पी कि मैम एक ऐसा कम्युनिटी शुरू किए हैं जहाँ पे हम और भी लोगों को जुड़े के लिए हम उनको एनकरेज कर रहे हैं, और लेट दिस एनकरेजमेंट कंटिन्यू एंड लेट दिस स्प्रेड नॉट जस्ट विद इन द फैमिली बट ऑल्सो अराउंड यू सराउंड यू एंड सो दैट वी ऑल लीव अ गुड लाइफ, बिकॉज आज के जो स्ट्रेस लेवल जो बढ़ रहा है, मोस्ट ऑफ द यू नो हेल्थ डिजीज जो हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हम लोग में जो क्रोनिक हो चुका है, घर घर में डायबिटिक पेशेंट, घर घर में आप देखोगे कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स होंगे। सो लेट दैट कट डाउन, लेट दैट मेक इट अ हैबिट टू हैव अ गुड एंड हेल्दी यू नो सराउंडिंग्स अराउंड यू। हम खाने खाने से ही हमारा बहुत सारे चीजें आजकल जो एंड आई वांट टू टेल आल्सो वन मोर थिंग हियर कि इंडिया में खाने को लेके इतना प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, बिकॉज द रिसोर्सेस इज बिकमिंग लेसर एंड द पॉपुलेशन इज बिकमिंग हायर।
हमारा जो पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो रहा है उसको मीट करने के लिए हमारे पास आज के डेट में एक हेल्दी फूड नहीं हो रहा है. मोस्ट ऑफ द शॉपिंग मॉल्स यू विल सी पैक्ड फूड. सो टेक यू नो अ ओथ, हम एक प्रॉमिस करेंगे कि पैक्ड फूड से थोड़ा सा दूर रहेंगे और जितना हो सके हम खुद में घर में बना के हेल्दी हैबिट शुरू करना चाहिए जितना जल्दी हो सके. बिकॉज नाउ डेज वॉट एवर यू सी इन द मार्केट कि जो आता है कि ऑर्गेनिक फूड है ये है, उसमें एडल्ट्रेशन रहेगा ही रहेगा, मिलावट रहेगा ही रहेगा. बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेस कि हम पूरा पॉपुलेशन को नीड को मीट कर सके. तो हमें अपने ही घर में शुरू कर देनी चाहिए कि कुछ चीजें ऐसे बनानी चाहिए जो घर में, जैसे मैम कुछ कुछ चीजें मुझे भी बताइए, मुझे भी टिप्स दिए. जैसे रागी, रागी इज अ गुड प्रोडक्ट, तो रागी को खाना जरूरी है या अपना प्लेट में हेल्दी डाइट रहना जरूरी है. तो ये सब चीजें जब हम डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे यू विल सी दैट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर बॉडी, रिफ्लेक्टिंग ऑन योर यू नो द, जैसे जैसे आपका लाइफ स्पैन बढ़ता जाएगा, व्हेन यू आर एजिंग यू विल सी द एजिंग प्रोसेस विल बिकम मच हेल्दियर देन बिकम मोर पेनफुल. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए और इस चीज के ध्यान रखिए कि हमें पैक फूड से थोड़ा सा दूर रहनी चाहिए क्योंकि सेल्फ लाइफ जो रहता है ना, वो पता नहीं कब का पैक्ड होके रहा होगा, एक चिप्स का पैकेट हो या बिस्किट का पैकेट हो. सो मेक श्योर कि हम घर में ही कुकीज बना के खाए. जैसे मैम हमेशा रागी का कुछ बना के मेरे को फोन करके या तो फोटोज भेजती है. सो दोस काइंड ऑफ हैबिट्स आर रियली हेल्दी एंड गुड. सो थैंक्स थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम श्योर वी विल कंटिन्यू टू मीट सम टाइम लाइक दिस, इफ नॉट रेगुलरली. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेसियस टाइम। और मैम भी बहुत ही एक्टिव है, वो भी मेरे साथ फूड प्लेट शेयर करते हैं। उन्होंने उनका जो फ्रीज है किस तरह कन्वर्ट हो गया हेल्दी फूड में, वो भी शेयर करती हैं। उनका जो रेशन आना उसमें क्या चेंज हो गया हेल्दी हैबिट के बाद, वो भी मेरे साथ शेयर करती है। सी हैज चेंज अ लॉट हर सेल्फ। थैंक्स मैडम फॉर योर प्रेसियस टाइम एंड प्रेसियस वर्ड्स। लेट्स गो टू नेक्स्ट मूव। अंजू मैम क्या आप तैयार हैं? सॉरी सॉरी नहीं हो रहा है। अगर पास में कोई है तो उनका गाइड ले लीजिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। तो तब तक हम और भी है हमारे जो सक्सेसफुल वुमेन हेल्दी ड्राइव में, तो हम उनसे थोड़ा सुन लेते हैं। तो हमारे पास कविता जी है जो कि हमारे फर्स्ट बैच का पार्टिसिपेंट है। उनके लाइफ में भी बहुत सारा चेंजेस आया है, तो उनका थोड़ा मैसेज सुनते हैं। ओवर टू यू कविता मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल और हैप्पी महाशिवरात्रि, हैप्पी वुमेन्स डे। माई सेल्फ कविता मिश्रा फ्रॉम जोरा डोरा, वाइफ ऑफ डॉक्टर पोंडा। और थैंक यू रिफॉर्मेशन प्रोग्राम एंड ऑल टोटल टीम फॉर कोच मी फॉर हेल्थ गॉड। और इसी रिफॉर्मेशन प्रोग्राम की वजह से मैम मेरे जो हेल्थ चैलेंजेस था, जैसे कि मुझे अस्थमा था, बीपी और कोलेस्ट्रॉल था, सब कुछ नॉर्मल हो गया। और मैं 13 kg भी, मेरी वेट भी लॉस हुई है। मेरे हस्बैंड का भी 10 से 11 kg वेट लॉस हुए हैं मैडम। और वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं भी ऐसी अपॉर्चुनिटी की खोज में थी कि कब मुझे ऐसी लगती थी जैसे कि मेरी जीवन लाइफ भी बेकार हो गया, इतनी हेल्थ चैलेंजेस थे मैम। पर मैं खुजते खुजते पा गई और मेरी सब कुछ ड्रीम यहीं पर, मैं फुल सब कुछ ड्रीम फुलफिल हो गया। मैंने ली तो मैम हेल्थ ही है, मेरी हेल्थ और एकदम सही सलामत है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे से। और थैंक यू रिफॉर्मेशन प्रोग्राम और इसी के, और मेरे ट्रांसफॉर्मेशन देखकर और कुछ भी जुड़ गए हैं और इंस्पायर होके हमारे मैं हमारे यहीं पर ज्वाइन भी किए हैं मैम। और मैं तो मेरी रिलेटिव लोगों को जब भी मुझे पूछते हैं कि ये चेंजेस तेरे से कैसे हुआ, तो मैं सब कुछ बताती हूँ। और मैं भी कहती कि आइए जुड़ जाइए। और मेरे रिलेटिव, मेरी दीदी लोगों ने, उनकी बेटी लोगों ने सब कुछ
वही लोग भी कुछ कुछ वेट लॉस किए हैं मैम मुझे देखकर। और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड थैंक यू फॉर आवर ग्रेट ग्रेट कोच भवानी सर एंड अनु मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यू आर इंस्पिरेशन फॉर योर फैमिली, योर सोसाइटी एंड योर रिलेटिव्स। लेट स्प्रेड दिस मैसेज एंड प्राउड ऑफ योर डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन ही है। रिवाम नेशन तो नॉलेज देता है, एसोसिएशन देता है, लेकिन आपका ही डेडिकेशन चाहिए वो सारे नॉलेज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में चेंज लाए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास शुभांगी जी है, वो भी हमारे पुराने पार्टिसिपेंट है, उनसे सुनते हैं उनमें से उनमें क्या चेंजेस आया है। ओवर टू यू शुभांगी जी। और जो हमारे नए पार्टिसिपेंट है, नया नया फेज का या कोई भी जो शेयर करना चाहते हैं, अपना वीडियो ऑन करेंगे, देन आई विल इनवाइट यू। ओवर टू यू शुभांगी जी। थैंक यू भाभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और हैप्पी वुमेंस डे और हैप्पी शिवरात्रि। और आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो कम से कम 8 से 10 महीना हो गया मैं रिवॉर्मेशन का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो मॉर्निंग हैबिट है वो पूरा चेंज हो गया। उठते ही सबसे पहले चाय पीते थे, वो हैबिट चेंज हो गया। पहले उठते हैं और नींबू पानी पीते हैं ना, वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो गया। वो सबसे बड़ा, मतलब इजी तो लग रहा है लेकिन इजी बिल्कुल नहीं है ना। वो जो हैबिट है मॉर्निंग हैबिट, सबसे पहले तो हमने वहां से शुरुआत की। और सबसे पहले है हमारा जो इमोशनल फूड है, सबसे पहले मतलब रात को डिनर के बाद हमेशा कुछ ना कुछ मीठा लगता था, वो सबसे पहले घर में आना बंद हो गया है ना। हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में एक बार ऐसे होता है ना। सबसे पहले हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो इमोशनली फूड है, वो सबसे पहले बंद होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और ऐसे ही 7-8 महीना हो गया हम फॉलो कर रहे हैं, और मेरा जो वेट जर्नी है कम से कम 8 से 9 किलो वेट कम हो गया है ना। और मैं भी फॉलो करती हूँ और हमारी फैमिली भी वो सब चीज फॉलो कर रही है। और 1 साल हो गया, मेरी बड़ी बेटी को थायराइड का प्रॉब्लम हो गया था ना, और डॉक्टर को पूछने के बाद वो बोले मेन फास्ट फूड का रीजन है, फास्ट फूड खा के इसलिए वो हुआ है ना। फिर सबसे पहले तो हम बाहर का जो खाना है वो पहले बंद करने के लिए बोले। तो अभी बाहर 1 साल हो गया, बाहर का टोटल खाना बंद है, और हमारा जो फूड सप्लीमेंट है वो उसको रेगुलर दे रही हूँ। 1-4 दिन पहले ही उसका रिपोर्ट आया है, पूरा नॉर्मल है ना थायराइड। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है ना। और ऐसे ही हमारा हैप्पी एंड हेल्दी जर्नी शुरू है मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू शुभांगी जी, बहुत बढ़िया शेयरिंग। हम सबसे कुछ कुछ सुन रहे हैं, सबका कुछ कुछ फायदा हुआ है ना। तो बहुत बढ़िया आप सबके लिए। वी फील प्राउड कि आप लोगों ने इतना डेडिकेशन कर दे के इतना नॉलेज लिया और खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट किए, जो कि अपने फैमिली में ट्रांसफर हो रहा है। बहुत सारे लोगों का हेल्थ चैलेंज सॉल्व हो रहा है। लेट्स स्प्रेड दिस मैसेज। घर से अभी जैसे मधुलिका जी ने बोले, मधुलिका मैडम बोले कि अराउंड यू, सराउंडेड यू, सबको हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं। तो चलिए आज हमारे पास नए बैच के कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे सुनते हैं लास्ट 8 डेज का उनका क्या फीलिंग्स है। तो लेट मी वेलकम मीता त्रिपाठी जी। ओवर टू यू मीता जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ मीता त्रिपाठी। मैं बरगट से रहती हूँ और ये रिवर्सन सेशन में यहाँ पे मुझे विनीता दीदी ने बुलाया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ यहाँ पे एसोसिएट होके यहाँ प्रोग्राम में आके। मैं मॉर्निंग में उठ जाती थी लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो पाता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख के सीख के मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। और जैसे लेजीनेस फील होता था वो सब तो धीरे धीरे जा रहा है और दिन भर मुझे एक्टिव लगता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को खाने मतलब खाना जो खाते हैं तो इतना डाइट कंट्रोल में नहीं रहता है, लेकिन सब देख के सुन के थोड़ा थोड़ा उसमें डाइट में भी जो कंट्रोल किए हैं, जैसे फूड में अपना सलाद में ऐड करती हूँ उनसे सुन के देख के, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू विनीता जी। आप 8 दिन का अपना फीलिंग्स बताए, लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी। वो जर्नी को कंटिन्यू कीजिए, देखिएगा 100 डेज में आपके लाइफ में बहुत सारा चेंज आएगा। तो थैंक यू फॉर योर प्रेसियस टाइम। देन सुनते हैं इप्सिता जी से, इप्सिता प्रियदर्शनी जी।
ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस यस गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ इक्विता त्रिपाठी फ्रॉम कोरापुट। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। मेरे को ये सेशन में विनीता दीदी ने बुलाए थे, मैं तो इस सेशन में पहली बार आई हूँ, लेकिन आके ना मेरे को बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। उस दिन वो जो मैम बोले बोल रहे थे, जो डॉक्टर पोहरी कुछ नाम था, सीमा पोहरी मैडम, उनका सेशन ना मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे ज्यादा। और मैं भी सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं होता है, बच्चों का स्कूल के टाइम के लिए तो ये सब पॉसिबल नहीं हो रहा था, लेकिन ना अभी ना थोड़ा थोड़ा वक्त मैं अपने लिए निकाल पा रही हूँ। ये बच्चों के काम में ना कि मैं खुद को भूल गई थी, मेरा अपना भी कुछ है कि मेरे अपने के लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए, ये मैं भूल गई थी। लेकिन अभी ना ये सेशन में आके मैं अपने लिए कुछ टाइम निकाल पा रही हूँ, और मुझे बहुत बेनिफिट भी मिला, क्योंकि मैं सीवियर डेंगू में सफर हुआ था, तो मेरा ना बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था बॉडी में, लेकिन ये विनीता दीदी ने जब से कुछ कुछ टिप्स दिए तो मेरे हेल्थ के लिए भी बहुत फायदा हुआ सब। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू इप्सिता जी। आपके आपने खुद के लिए डिसीजन लिया और ये सही है, जब हम खुद को प्यार करते हैं खुद तभी जाके बहुत सारे लोगों को प्यार बांट सकते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया डिसीजन हम आप लिए, तो आपका आप जो यहाँ पे आए कुछ शेयर किए इसके लिए आपको थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं, हमारे पास कैलेश दोहरे मैडम हैं, उनसे वो कुछ शेयर करना चाहेंगी। ओवर टू यू मैडम। यस आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके आप ठीक है, आप ट्राई कीजिए, तब तक हम संध्या नितिन जी उनसे कुछ सुनते हैं, उनका एक्सपीरियंस रिवाम नेशन में आके उनको क्या फील हो। यस यस आपका अनम्यूट हो गया, प्लीज कंटिन्यू। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा गढ़ और मेरे को जुड़ने के लिए सीमा पहाड़ी जो है, डॉक्टर सीमा पहाड़ी भाभी, उन्होंने बोला तो मैं जुड़ी। और मेरे को अच्छा लगा कि मेरा ये जो सुबह उठने का जो रूटीन है अच्छे से हो गया। पहले मैं बहुत लेट उठती थी सो के, तो भाभी ने बोला वो सब की, तो मैं अब मेरा जो उठने का है तो 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो मेरे को अच्छा लगा, इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, उसके लिए थैंक यू। और मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। यस मैम थैंक यू। आप में चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस और आएंगे। लेट्स बी कंसिस्टेंट विथ रिवाम नेशन। सीमा मैम आपको जैसे गाइड कर रहे हैं उनके साथ रहिए। और ओके मैम थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अभी तो 8 दिन हुआ है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा यू कैन फील द मैजिक। जो मैजिक आपके लाइफ में आएगा वो आप फील कर सकते हैं। तो थैंक्स ए लॉट। अंजू जी क्या आप तैयार हैं? सॉरी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, बट जरूर सुनेंगे। जिन्होंने जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, रिवाम नेशन के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका कुछ इंस्पायरिंग मैसेज वो जरूर हमारे पास पहुंचाएंगे। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो चलिए हमारे पास संध्या नितिन जी वीडियो ऑन किए थे, फिर से उनसे उनसे थोड़ा सुनते हैं। यस यस ओवर टू यू संध्या जी। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है मैम। गुड मॉर्निंग। आज शिवरात्रि है, हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी मोमेंट डे। थैंक यू। मैं पहले क्या है, पहले जैसे उठती थी लेट से, जैसे 9 बजे 10 बजे, तो जैसे पूरा लेजी लेजी लगता था। और उठ के जैसे मैंने खाली गुस्सा गुस्सा आता था बहुत, मैंने बच्चों के परेशानी से गुस्सा आता था हमेशा, मतलब खाली चिड़ 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 होता था खाली।
मैंने क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं, समझ नहीं आता था। हमेशा गुस्सा में ही रहती थी। ऐसा लगता था कि कहीं चले जाऊं, 2 मिनट बैठकर आ जाऊं, ऐसा लगता था। जैसे मैं थैंक यू करना चाहती हूँ देवस्थिता मैम को, जो मेरे को बताए कि आप शुरू करिए बोल के। तो अभी 2 4 दिन में मैं ज्वाइन करी हूँ, मेरे में बहुत कुछ चेंज आ गए हैं। जैसे सुबह उड़ जाती हूँ, 5 बजे हो चाहे जितनी बजे, 5:30 4 बजे उड़ जाती हूँ, तो मेरा आधा से काम खत्म हो जाते हैं। जैसे पहले दोपहर में खाना खा के जैसे लगता था कि थोड़ा सो जाऊं, तो अभी वो सब भी ऐसा कुछ नहीं लगता है। और कहीं पर अगर बैठ जाऊं तो उठने को मन नहीं करता था। अभी मैंने शरीर में जैसे फुर्ती आ जाती है। और थैंक यू अभी के लिए, बाद में फिर बोलूंगी। थैंक यू। थैंक यू संध्या जी, बहुत बढ़िया, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे चीजें सीख रहे हैं। और सच पूछिए, हाँ जब एक वुमेन हैप्पी रहती है तभी एक घर खिल उठता है ना। एक घर का हाँ हैप्पीनेस, एक घर का खुशी एक वुमेन के हाथ में बंधा हुआ है। और जब एक वुमेन एक्साइटेड होती है, जब एक वुमेन एक्टिव रहती है, वो घर पूरा एक खुशी में भर जाता है, वो ऑर्गेनाइज रहता है। तो थैंक यू टू ऑल दी हैप्पी वुमेन्स, यू हैव स्टार्टेड योर हेल्दी जर्नी, है ना। तो यस, एक मिनट। अच्छा, चलिए, अंजू जी का स्टोरी हमारे पास आ चुका है। और अंजू जी, अंजू जी एमबीए में है और वो जॉब भी कर चुके हैं, और वो डॉक्टर पहाड़ी के गेस्ट हैं और हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं, बट वी विल लिसन टू हर। और आई वेलकम यू मैम टू आवर एक्सटेंडेड फैमिली, टू आवर रिवाम नेशन कम्युनिटी। लेट्स स्टे टुगेदर और ये जर्नी को हम मिलके जरूर आगे बढ़ाएंगे। और हम वी आर सो हैप्पी कि आपने शुरू से हमारे साथ रहे, और बट वी विल लिसन टू यू। हमारा ड्रीम अभी आधा है, हम जरूर आपको सुनेंगे। थैंक्स टू ए लॉट, नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए हम आपको सुन नहीं पाए, बट वी विल लिसन टू यू। तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं और उसके बाद हेल्थ सेशन में लाएंगे। लेकिन डियर वुमेन, जो भी सारे एक्सपीरियंस आपके लिए हुआ, जो भी सारे मैन भी यहाँ पे है, और हेल्दी वुमेन कैन क्रिएट ए हेल्दी होम, कैन क्रिएट ए हेल्दी सोसाइटी। लेट्स इंस्पायर इच अदर, लेट इंस्पायर टू अदर्स कि एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करने में हम लोग हेल्प कर पाए। तो आज स्पेशल योगा भी है, वुमेन स्पेशल योगा, योगा जो एक हेल्दी वुमेन, वुमेन को हेल्दी रहने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमको करना चाहिए, तो उसके लिए लेट मी वेलकम आवर योगा कोच मिसेस ज्योति खेमका। 1 मिनट। प्लीज अनम्यूट अगेन भाभी। यस, थैंक यू। गुड इवनिंग, ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू और हैप्पी महाशिवरात्रि। बहुत ही बढ़िया दिन आज एक साथ हो गया है ना, महाशिवरात्रि और वुमेन्स डे। तो आज हम कुछ वुमेन्स रिलेटेड योगा करेंगे। वैसे तो सारे योगा हम हर कोई कर सकते हैं, बट कुछ लेडीज की कुछ अलग सी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, है ना। जैसे कि उनका जो पीरियडिकल प्रॉब्लम होता है, कमर दर्द ज्यादा जनरली लेडीज में होता है। और लेडीज लोग क्या सोचते हैं कि दिन भर वो अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं, और इतना फिजिकल एक्टिविटी भी घर में कर ही लेते हैं, उनको लगता है कि मुझे और योगा की क्या जरूरत है, मैं तो सब कुछ दिन भर मेरा घर पे एक्टिव ही रहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। योगा इज ए डिफरेंट थिंग, जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट करता है और उस पार्ट को फ्लेक्सिबल बनाता है, और हम एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं, बिना पेन वाला लाइफ, है ना। लेडीज लोग का जनरली देखेंगे किसी का हर समय सर में दर्द होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का हर दिन नहीं होता है तो हफ्ते में एक बार तो पक्का है। मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ, एक दो बार तो पक्का इतना सिर दर्द देता है कि मैं 2 3 दिन उठ नहीं पाती। कुछ लोगों का कमर दर्द, इस शोल्डर में पेन, हाथ नहीं उठ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा हाथ नहीं उठ रहा है ना। ऐसा जनरल वाला बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको हम लोग थ्रो योगा हम लोग ठीक कर सकते हैं। और योगा एक कॉम्बिनेशन है, जो कि सिर्फ आपको फिजिकली नहीं, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हमको हेल्दी बनाता है, जो कि
हमारे फिजिकल बॉडी पे, माइंड पे और सोल पे, तीनों पे काम करता है। हम लोग फिटनेस जो है, माइंड का, बॉडी का और सोल का, तीनों का फिटनेस हम लोग ला सकते हैं तो योगा। तो योगा से जस्ट हम लोग कुछ नॉलेज लेंगे फ्रेंड्स, आज कुछ नॉलेज लेते हुए करेंगे। तो जस्ट योगा स्टार्ट से पहले हम लोग जैसे करते हैं एक प्रेयर के साथ, हमेशा ओम के साथ स्टार्ट कीजिए। ओम जब भी हम बोलते हैं, अ तीन लेटर से बना है, अ उ म। तो अ जब हम बोलते हैं, अ नाभि से निकलेगा, मतलब वाइब्रेशन जो है नाभि से फील करेंगे। ओ जब बोलते हैं हृदय चक्र पे फील करेंगे, और म जब बोलते हैं इस तरह होगा, और वो हमारा आज्ञा चक्र में आप ध्यान करेंगे, अ म। इस तरह से हम लोग ध्यान करेंगे तीनों चक्र का, 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। डीप ब्रेथ ले लीजिए, सब अपने आसन में बैठ सकते हैं, कोई भी आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, ज्ञान मुद्रा। सॉरी, 1 मिनट। डीप ब्रेथ ले लेंगे 3 बार ओम के साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योगा करेंगे कुछ पोज, जिससे कि हमारे लेडीज लोगों का आजकल, और एक प्रॉब्लम आप देख रहे हैं पीसीओडी, फाइब्रॉइड प्रॉब्लम, ये सारे जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए भी जस्ट पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। पहले सबसे पहले हम करेंगे फ्रेंड्स, लेट जाएंगे अपनी जगह पे, जो स्पेशल वुमेन्स के लिए बहुत जरूरी है, अगर आपको कम टाइम मिलता है तो आप लोग कुछ आसन ये सारे जो हैं जरूर कर लें। मतलब यूट्रस रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे पेट का सबसे नीचे का हिस्सा होता है, नाभि से भी नीचे, रिप्रोडक्टिव सेंटर, अगर हम साइंस की भाषा में जाए तो रिप्रोडक्टिव सेंटर, नहीं तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र वहां पे होता है। तो धीरे धीरे हलासन करेंगे हम, एक एक पैर को उठाएंगे 90 डिग्री, एक सांस लेते हुए पैर को उठाएंगे। देखिए पेट का नीचे का हिस्सा में स्ट्रेच आ रहा है, फील करेंगे, जिसका जितना उठेगा कीजिए, बट घुटना को नहीं मोड़ेंगे, घुटना स्ट्रेट रहेगा, भले ही आप कम उठाएं या ज्यादा उठाएं। यस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे, वैसे ही धीरे धीरे सांस लेते हुए दूसरा पैर को ओपोजिट लेग, एक सांस लेते हुए ऊपर की ओर। आपका ध्यान जहां पे पेट पर, जहां स्ट्रेच हो रहा है, या जांघ पे भी स्ट्रेच हो रहा होगा, फील कीजिए जहां स्ट्रेच हो रहा है ध्यान वहां। दो, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, थोड़ा रिलैक्स, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे सांस लेते हुए, पहले 30 डिग्री, एक उत्तानपादासन, 30 डिग्री उठाएंगे, पूरा ऊपर नहीं, सिर्फ 30 डिग्री, और थोड़ा नीचे, डाउन डाउन, यस, और डाउन, पूरे कमर का नीचे वाला हिस्सा
में स्ट्रेस फील हो रहा है, देखिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रखेंगे। आप पूरा ऊपर आराम से उठा सकते हैं, लेकिन जब 30 डिग्री उठाते हैं, हमारा मूलाधार चक्र पूरा सबसे नीचे हिस्सा, पीठ का सबसे नीचे का हिस्सा में, हिप से जस्ट के पास वाला में प्रेशर फील होगा। और एक बार करेंगे सांस लेते हुए, अब एक 30 डिग्री उठाएंगे, यस, कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रख देंगे, दो विश्राम। 60 डिग्री उठाएंगे, एक, जो भी आपका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है ये सब के लिए भी बहुत ही अच्छा, अनियमित पीरियड होना और मतलब बोलते हैं ना वो मेनोपोज के टाइम वाला प्रॉब्लम, वो सारे प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये सब, दो विश्राम। नेक्स्ट हम 90 डिग्री उठाएंगे, एक, सांस लेते हुए दोनों पैर अप, आप हाथ का सहारा ले सकते हैं, जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं, घुटना पूरा सीधा रहेगा, घुटना बेंड नहीं होगा, यस, धीरे धीरे हाथ को नीचे रख सकते हैं, कोशिश कर लीजिए, यस, दृष्टि पैर के अंगूठों पर, हम ध्यान के साथ हर योगा करेंगे तो हमको 100% फायदा होगा, पैर के अंगूठे को, नाखून को ही देखते रहेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, हठात से नीचे नहीं करेंगे, जैसे ले गए थे वैसे ही वापस लाएंगे, विश्राम। नेक्स्ट हमारे लिए और एक बहुत ही अच्छा आसन, विपरीत करणी। जैसे हम 90 डिग्री उठाए, उसको थोड़ा और ऑपोजिट की ओर लेंगे, थोड़ा पीछे की ओर पैर को झुकाएंगे, आराम से कीजिए, हड़बड़ी में नहीं, या मतलब झटके से नहीं करना है, धीरे धीरे ही कीजिए विपरीत करणी मुद्रा। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जो दिन भर हम लोग चलते रहते हैं, घर का काम करते रहते हैं, नीचे की तरफ हो गया था, पूरा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर पर, मन को शांत करता है। स्पोंडालाइटिस, गले की प्रॉब्लम, कुछ भी है, कंधे के लिए, पीठ दर्द, सबके लिए बहुत ही अच्छा विपरीत करणी मुद्रा। धीरे धीरे हम लोग जितना हो सके पीछे की ओर ले सकते हैं, हाथ का सहारा ले सकते हैं कमर में, विश्राम। धीरे धीरे नीचे आएंगे, पहले दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, हठात से पैर नीचे नहीं रखेंगे, यस, ये हमने कुछ आसन के जो हमारा यूट्रस के लिए स्पेशल रिलेटेड था। नेक्स्ट हम करेंगे, थोड़ा उठ जाएंगे, लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए आराम से हाथों का सहारा से उठिए। नेक्स्ट हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन, दोनों पैर सीधा कर लीजिए पहले, यस, फिर एक पैर को मोड़ेंगे, जितना अंदर ले सकते हैं लीजिए, जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं लगभग वही, बस इसमें हमको कुछ हिलाना नहीं है, शांत रखना है पैर को, कमर गर्दन सीधी, पूरा पैर स्ट्रेट, जस्ट हमारा एडी जितना शरीर तक के पास जा सकता है टच करने की कोशिश करेंगे, और कुछ सेकंड पूरा होल्ड कर कर रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांसें नॉर्मल, ये हमारे माइंड को पूरा कूल एंड काम रखता है, और पूरे दोनों जांघों में स्ट्रेच होता है, इसीलिए थाई के मसल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे हमारा थाई पेन, पैर वेरिकोस पेन जो होता है वो सब नहीं होगा। इसको हम लोग घर में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, पलंग पे बैठे भी हम लोग कर सकते हैं, उसको जरूर कीजिए, साधारण सा दिखने वाला बट बहुत ही फायदेमंद, यूट्रस पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, पीरियोडिकल मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ये सारे के लिए भी बहुत ही लाभकारी विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे पर्यंक आसन। भद्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैर में गैप रख लीजिए, यस, और धीरे धीरे हम लोग वज्रासन में लेटेंगे, सो जाएंगे वज्रासन में, यस, वज्रासन में बैठिए, दोनों पैर में गैप रख लीजिए, और धीरे धीरे हाथों के सहारे
कोहनी के सहारे लेट जाएंगे। यस, पूरा लेट जाएंगे। देखिए आपका कमर हल्का सा ऊपर उठ गया है, दोनों हाथ दोनों सिर के नीचे रख लीजिए फोल्ड करके, और कुछ देर इसी आसन में रहेंगे। धीरे धीरे दोनों एड़ी को खसका लीजिए, जैसे आप एड़ी के ऊपर थे ना, दोनों एड़ी को बाहर कर लीजिए, हाथों के सहारे दोनों एड़ी को बाहर कर लीजिए, और आप बीच में पूरा फ्लैट हो गए हैं, दोनों एड़ी बाहर है। कमर दर्द के लिए और भी एनी प्रॉब्लम ऑफ ओमेन, हम लोग ये वाला भी पलंग में लेटे लेटे भी, जब हम सोने आते हैं पलंग में, खाने को 2-3 घंटा हो गया है, तो हम लोग आराम से 2 मिनट तक इस आसन में हम लोग लेट सकते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर, जहां पे स्ट्रेच फील हो रहा है, देखिए कमर में बहुत अच्छा फील हो रहा होगा आपको। धीरे धीरे कमर दर्द सबका, जनरली आप देखेंगे तो सबसे नीचे का हिस्सा, लेडीज लोगों का बहुत पेन होता है। दिन में 2 मिनट जरूर इस आसन को करें, पर्यंकासन। फिल कीजिए पीठ में, सबसे नीचे के हिस्से में जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो स्ट्रेचिंग हीलिंग हो रहा है, थोड़ा कष्ट भी हो रहा होगा किसी को, उसको फील करेंगे। विश्राम, धीरे धीरे पहले हाथों को निकाल लीजिए, कोहनी हाथों के सहारे धीरे धीरे उठेंगे। योगा में हम खुद के शरीर के वजन को ही खुद हैंडल करते हैं, यहाँ हमको कुछ अलग से वजन उठाने की जरूरत नहीं होती, खुद के शरीर के वजन को ही हम इधर उधर करके उठाते हैं फ्रेंड्स। और एक बार नेक्स्ट करेंगे मत्स्य आसन, ऐसे ही लेट जाएंगे, जैसे हम एक पैर को दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रख लीजिए, यानी कि लगभग पद्मासन, हम लोग पद्मासन में बैठे जाएंगे। यस, एक पैर को दूसरे पैर के जांघ के ऊपर रख लीजिए, पद्मासन में हम जैसे बैठते हैं, फिर धीरे से नीचे रख दीजिए पैर को, लेट जाइए नॉर्मल स्थिति। थोड़ा सा हम लोग गर्दन को ऊपर कर सकते हैं, ये है मत्स्यासन, इससे भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही अच्छा एक्टिवेट होगा। कुछ देर होल्ड कीजिए, सांस ही नॉर्मल, सांस लेना छोड़ना नॉर्मल आप रख सकते हैं। इससे बाल झड़ना, बालों की समस्या में भी हमको बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ हो रहा है। हर आसन को मिनिमम 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं हम, और धीरे धीरे उसको 1 से 2 मिनट बढ़ाएंगे। सांसें नॉर्मल रहेगी, विश्राम। धीरे धीरे हाथों के सहारे सिर को पहले सेट कीजिए। हर आसन हम धीरे धीरे, जैसे आसन पोज में आए थे, वैसे धीरे धीरे ही अपने आप को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे सेतु बंधासन। आसन सेतु बंधासन भी वैसे ही हम लोग लेट जाएंगे, फिर से लेट जाइए, दोनों घुटने को बेंड कर लेंगे, इस तरह फोल्ड कर लीजिए। पूरे शरीर के पास जितना आ रहा है, शरीर से हिप के पास तक घुटने को ले आइए, टच कर लीजिए। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, जितना पास आ रहा है ले आएंगे पैर को, दोनों पैर के एंकल जॉइंट को हम लोग दोनों हाथ से पकड़ लेंगे, ठीक है। पहले सिर को ऊपर कर लेंगे, जैसे जितना कमर पोर्शन आपका उठ रहा है, सिर नहीं उठाएंगे, सॉरी, सिर धरती पर रहे, सिर्फ कमर को उठाएंगे,
दोनों हाथ से दोनों पैर के एंकल को पकड़ेंगे और कमर पोर्शन जैसे उसमें हमारा डाउन था अभी थोड़ा अप हो जाएगा कमर, जितना उठा सकते हैं, एक सेतु बंध ब्रिज पोज उठाएंगे, कुछ देर होल्ड कीजिए। बहुत लोग तुरंत तुरंत ही फील कर पा रहे होंगे कि उनका बॉडी में बहुत सारा पेन कम हो जाएगा, स्ट्रेचिंग फील हो रहा होगा, कौन सा एक्सरसाइज आपके बॉडी के लिए ज्यादा फायदेमंद है वो सब आप खुद फील कर सकते हैं अपने शरीर के हिसाब से, लेकिन ये जितने आसन है हर लेडीज कर सकती है। विश्राम, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। इस आसन से भी हमारे जो भी प्रॉब्लम है स्पेशली वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम वो सब में बहुत ही फायदेमंद है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल ना? यस यस। ओके, नेक्स्ट हम पेट के बल लेटेंगे। लेडीज लोगों के लिए बहुत ही एक उत्तम आसन हम करेंगे, सलभासन। एक एक पैर को उठाएंगे, सांस लेते हुए आप पैर को कुछ देर होल्ड करेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। थोड़ी नहीं उठेगा, थोड़ी जमीन पर लगे रहेगा, सिर्फ पैर उठेगा। कोशिश कीजिए आपका थाई धरती छोड़ दे, जिसका जितना हो रहा है करेंगे, लेकिन घुटना पूरा सीधा रहेगा, घुटना को बेंड नहीं करेंगे। एक सांस लेते हुए आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, सांस लेते हुए आप एक जितना उठा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। थोड़ी जमीन पर, थोड़ी नहीं उठेगा, सिर्फ पैर उठेगा, घुटना सीधा रहेगा। ये सारे हमारे रिप्रोडक्टिव सेंटर पे असर डाल रहा है, आप तुरंत फील कर पा रहे होंगे। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। एक सांस लेते हुए कोबरा पोज। यस, जितना ऊपर की ओर देखेंगे पूरा नाभि तक बॉडी ऊपर उठेगा। सांस लेते हुए छत की ओर, आकाश की ओर देखिए। कुछ देर होल्ड करने से हमारे मूलाधार चक्र, कमर के सबसे नीचे के पोर्शन में जो स्ट्रेच आ रहा है, वजन ज्यादा हाथ पे ना दें, जो सारा वजन है आपका कमर पे आएगा। हाथ में प्रेशर फील नहीं होना चाहिए कि मैं इस आसन से मेरा हाथ दर्द हो गया है ना, तो आपका कुछ रॉन्ग हो रहा है। आप फील कीजिए प्रेशर जो है पीठ पे आना चाहिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। विश्राम, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। लास्ट आसन आज का हम करेंगे मरकटासन। पेट के बल से फिर से पीठ के बल आ जाइए, दोनों पैर को फोल्ड कर लीजिए। यस, दोनों हाथ दोनों मतलब बांध के सिर के नीचे रख लेंगे, मरकटासन करेंगे। दोनों पैर एक और झुकाएंगे और गर्दन ऑपोजिट साइड, जिधर पैर है गर्दन ऑपोजिट साइड। कुछ देर होल्ड, योगा में शरीर के साथ सांसों का संबंध, शरीर के साथ मन का संबंध और आत्मा का संबंध, इसीलिए जब हम कुछ देर होल्ड करते हैं पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हैं। विश्राम, ऑपोजिट साइड करेंगे।
यस, इधर दोनों पैर कर देंगे, गर्दन अपोजिट साइड फिर होगा। कोशिश कीजिए दोनों पैर, मतलब पैर धरती पर लगे, पूरे कमर पे स्ट्रेच हो रहा है, इससे हमारा कमर का चर्बी भी कम होगा, डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा। मरकटासन, 20 दम, धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्तासन। एक पैर को फोल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाएंगे, कुछ देर होल्ड कीजिए सांस नॉर्मल। जो लोग होल्ड नहीं कर सकते हैं सांस को, धीरे धीरे सांस लेना छोड़ना कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। विश्राम, दूसरे पैर से करेंगे, एक सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाएंगे, लेडीज को बहुत सारा वात का प्रॉब्लम होता है ना, पूरे मतलब बॉडी में, वात मीन्स पूरे बॉडी में हवा, हवा का कुछ बढ़ गया है वैसा होता है हवा का प्रकोप, तो ये आसन करने से हमारे पूरे बॉडी में जहां भी है गैस वो रिलीज होगा। दोनों पैर से एक साथ करेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक को दोनों घुटने के बीच, जो लोग अपर बॉडी को नहीं उठा पाते हैं सिर्फ दोनों घुटने को पेट पे प्रेस करेंगे, इस तरह प्रेस करके भी इसका लाभ ले सकते हैं। कुछ देर होल्ड कीजिए, अच्छा फील होगा, फायदा फील तुरंत हो जाएगा। यस, विश्राम, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति। कोई भी आसन करते ही उठ के हठात घर के काम में ना लगे, कुछ देर अपने आप को रिलैक्स रखें। शवासन, जो भी शरीर में हलचल हुई थी, हमने जितने आसन किए, जहां भी स्ट्रेच हुआ था शरीर, उस सारे को हम रिलैक्स करेंगे। शरीर शिथिल हो रहा है, शुरू कीजिए। किसी के कमर में स्ट्रेच फील हो रहा होगा, किसी के जांघ में कुछ वाइब्रेशन हो रहा होगा, उसको हम लोग फील करेंगे। पूरे शरीर का दर्द गायब हो रहा है, प्राण ऊर्जा सांसों के माध्यम से मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। सांस लेते समय फील कीजिए, सूर्य की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक हम लोग अपने चित्त को घुमाएंगे, फील कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल मन शांत। विश्राम, धीरे धीरे लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए उठेंगे, लेफ्ट की ओर थोड़ा मुड़ जाइए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। फिर हाथों के सहारे, आंखें बंद ही रहे, हाथों के सहारे उठेंगे, दोनों हाथों को आपस में घिस लेंगे, आंखों पर मलेंगे, पूरे चेहरे पर मलते हुए वापस ले आएंगे। यस, आज हमने जैसे कुछ आसन किए, अगर रिपीट में नाम करूं तो हलासन, विपरीत करणी मुद्रा, भद्रासन, मत्स्यासन, सेतुबंध आसन, मर्कटासन और पवन मुक्तासन, इतने आसन हम लोगों ने किए। ये हर लेडीज रेगुलर कर सकती है, चाहे किसी भी एज में हो, हर कोई कर सकता है। अगर लड़कियां जो है उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, मंथली प्रॉब्लम कुछ भी है, तो ये आसन हम रेगुलर करते हैं तो उस सारे प्रॉब्लम से
और अभी जो पीसीओडी प्रॉब्लम जो एक नया प्रॉब्लम डेवलप हुआ है उससे भी हम लोग रिलैक्स हो सकते हैं। शर्त है आपका खान पान भी आपको चेंज करना होगा थोड़ा, और इस आसन सबको इंक्लूड करना होगा। तो हम लोग डेली अगर इस आसन को करेंगे, बहुत सारे जो आपका सिर दर्द भी जो होता है ना, मंथली सिर दर्द होता है कुछ लोगों का 15 दिन वाला सिर दर्द होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है वो लोग मुझे ऐसा बताते हैं, 8 दिन में एक बार सिर दर्द होता है। मैं तो उनको बोल रही थी मुझे पता ही नहीं कि सिर दर्द क्या होता, मतलब जब पढ़ाई करती थी स्कूल लाइफ में कभी होता था सिर दर्द, और उसके बाद मुझे पता नहीं। बुखार फीवर हुआ है वो बात अलग है, लेकिन ऐसा ही नॉर्मल आज सिर दर्द है जो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जस्ट डू योगा एवरीडे। आत्मेव आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुर आत्मना, बोलते हैं हम स्वयं ही अपने शत्रु और स्वयं ही अपने मित्र बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम माई साइड, बैक टू आवर ग्रेट। थैंक यू भाभी जी, बहुत बढ़िया। हम लोग बहुत कुछ आज नया सीखे, बहुत सारे नया योगासन जो कि हेल्दी लाइफ हेल्दी वुमेन के लिए जरूरी है ना स्पेसिफिक। तो चलिए पूरा सबके लिए जोरदार क्लैप हो जाना चाहिए, और जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने सारे वुमेन हैं जो हु आर पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली एंड इंस्पायरिंग मेनी वुमेन टू स्टे हेल्दी। तो आज का सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, और भी बहुत सारे मैसेजेस है, बहुत सारे इंस्पायर्ड वुमेन है हमारे साथ जिनको हमको सुनना है, बट हम उसके लिए वन मोर डे वी विल प्लान। तो थैंक यू एवरीबॉडी, लेट्स क्लोज दिस सेशन हियर। बाय एवरीवन।